अल्लाह अकबर। उस हाफिज में भी लानतें बरसती है, पीछे पढ़ने वाले भी इसी तरह। तुम इस तरह रब के साथ, आप मुझसे पूछो तो सही कि कौन हो, तो मैं कहूं मंजूर अहमद वलीद ने एक मंदिर को में शेख जैद के रहने वाले बिन बलूचिस्तान से आए, वहां पर रहे थे, मंगल को उनका हमले लगा, आपको पता नहीं, आपने कभी देखा, हमारे गांव को नहीं देखा, तो आप कहेंगे तो आप तो मजाक कर रहे हैं हम पर। मैंने बता दिया कि मैं मंजूर अहमद वालिद नेक मोहम्मद वालिद हाजी जुम्मा खान। इस तरह अगर मैं बोलूं तो आप कहेंगे कि मौली साहब तेरा दिमाग ठीक है, ये कोई तरीका है बताने का? आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा? मंजूर अहमद पर मुस्तकिल कभी आपने नहीं देखा, हमारे गांव को नहीं निकाल, अल्लाह अकबर। आपको मसला समझ में आ गया कि मैंने कितनी खबरें सुनाई, मेंगल कौम की तारीख आपको बता दी, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये मजाक है सालिम किस्म के। बाद बूढ़े और तलाश करते ये हमारे बलोच लोग और पठान लोग, कहते वाजा हाफिज ने F16 है, वाजा हाफिज साहब ने इशर हाफिज गुशक नबी, इसको हाफिज न कहो, ये मजने F16 है, वो भी बेगैरत है और पीछे पढ़ने वाले भी बदबख्त है, वो भी परले दर्जे का, पता नहीं उसने किस मदरसे में पढ़ा, उसके असातिज़ा कैसे मनहूस होंगे, वो किस बेगैरत कारी ने इसको पढ़ाया, इतना कुरान के साथ मजाक, तो न पढ़ो ना, जरूरत क्या है?